जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चलता हूँ कालका जी मंदिर, जो कि हमारा नेहरू प्लेस की साइड है, तो आपको वहीं लेके चलता हूँ। और कालका मैया को दिल्ली की महारानी भी कहा जाता है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। बाकी आपको दिखाते हैं कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए और वहाँ के माता रानी के दर्शन करवाते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में जय कालका माई लिखना मत भूलना। चलते हैं अभी आगे, माता रानी के दर्शन कराते हैं आपको, अभी निकलते हैं जल्दी जल्दी। आपको नोना टाइम, मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ, ये सारे लेट हैं, ये सारे के सारे लेट कमर्स। एक मैं ही हूँ जो टाइम से आया हूँ, बिल्कुल ये सारे के सारे लेट कमर्स हैं। एक ये सबसे बड़ी लेट कमर्स एरिया है। कालका जी मंदिर के रूट पे ही आपका इस्कॉन टेंपल पड़ता है, जो आप सामने देख सकते हो ये इस्कॉन टेंपल है। अगर आपने इस्कॉन टेंपल का मेरा व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप मेरा व्लॉग चेकआउट कर सकते हैं। अगला स्टेशन कालका जी मंदिर है। कालका जी मंदिर के ठीक सामने ही अपना लोटस टेंपल है, देख सकते हो आप। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ये थोड़ी देर मेट्रो स्टेशन पे रहते हैं, बाकी फिर चलते हैं। ये हमारे बजरंग बली ये मंदिर, मतलब कालका जी मेट्रो स्टेशन से निकलते ही ये गेट नंबर 1 से निकलोगे तो कालका जी, एंड 2 से लोटस टेंपल। ये लोटस टेंपल के बारे में लिखा हुआ है। तो फिलहाल हम तो पहुँच चुके हैं कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन के पास है। बारिश हो रही है, मेन गेट पीछे की साइड है, इधर बताया अब हम स्पोर्ट वालों ने। कालका जी मंदिर जाने के लिए सबसे पहले आपको ये गेट दिखेगा महाकालेश्वर शिव मंदिर का, आपको इसी के अंदर एंट्री करनी है। का पार्किंग यार्ड है, यहाँ पे गाड़ी पार्क वगैरह करते हैं। अगर आप कालका जी बाइक या कार वगैरह से आ रहे हो तो आप यहाँ पार्क कर सकते हो, ये मेन द्वार है। बालकनाथ मठ लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा है, सामने कालका पीठ ट्रस्ट। निःशुल्क जूता स्टैंड है लेफ्ट हैंड साइड पे कालका जी मंदिर के। मंदिर में घुसते लेफ्ट हैंड साइड पे है, आपका फ्री है, श्रद्धा अनुसार बाकी जो देना चाहो आप दे सकते हो। मंदिर में घुसते ही आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भैरव बाबा का मंदिर है, तो एक बार भैरव बाबा का जयकार हो जाए, बोल भैरव नाथ की। सबसे पहले दर्शन हमें भैरव बाबा के हुए हैं, तो आप भैरव बाबा के दर्शन पास से करिए, जय भैरव बाबा। अभी आगे चलते हैं, आप यहाँ का प्रांगण देख सकते हो। मंदिर की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हमें राइट हैंड साइड पे माता रानी की इतनी सुंदर चौकी दिखी है, तो एक जयकारा लगा देते हैं माता रानी का। बोल जयकारा, तेरा वंदा बोल, साचे दरबार की जय। मंदिर की ओर अंदर बढ़ते ही हमें वैष्णो माता का दरबार दिखता है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा होता है दूर से। आप देख सकते हो नीचे त्रिदेवी और माता रानी के साथ गणपति महाराज और बालाजी महाराज भी विराजमान है। फिर वैष्णो दरबार के अपोजिट साइड आपको ये जीना दिखेगा, ये आपको मंदिर प्रांगण की ओर आपको ले जाएगा। जीना चढ़ने के बाद पहले हमें एक होल सा दिखा, पहले मेरे को लगा कि यही मेन प्रांगण है, बट ऐसा नहीं है। मेन मंदिर जो मेन कालिका मैया के दर्शन है वो अंदर की साइड है। तो सबसे पहले हमें माँ गायत्री देवी के दर्शन हुए, थोड़ा सा आगे चल के शिव जी के दर्शन हुए हमें, और थोड़ा सा आगे चल के बजरंग बली के, हनुमान जी की हनुमान चालीसा भी है, तभी हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद थोड़ा आगे आके हमें मेन मंदिर का प्रांगण दिखा, जो माता रानी का मेन मंदिर है। तो बोलो कालका माई की जय। आज भीड़ कम है क्योंकि आज मंगलवार है, बाकी शनिवार और संडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। नज़र के काले धागे वगैरह और विभूति वगैरह आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
माता रानी के दर्शन के लिए हम लाइन में लग चुके हैं। काफ़ी कम भीड़ है, काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। जल्दी माता रानी के दर्शन होंगे और काफ़ी अच्छे दर्शन होंगे। बाकी शनिवार को तो काफ़ी लंबी लाइन रहती है, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि मंदिर परिसर पूरा भक्तों से भरा रहता है। इस जाले के उस साइड माँ के भव्य दर्शन है। अभी हम घूम के जाएंगे आगे से, क्योंकि गेट नंबर 1 बंद कर रखा है, तो गेट नंबर 2 से जाएंगे अभी हम। बोलो श्री कालका माई की जय। माता रानी के दर्शन होने वाले हैं। गेट नंबर 2 से एंट्री हो रही है। अंदर फोटो वीडियो अलाउ नहीं है। बाकी कोशिश करूंगा आपको भी माता रानी के दर्शन करवा सकूं। अगर माता रानी के आपको दर्शन होते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय कालका माई जरूर लिखना, ताकि आपकी यहाँ अर्जी लग जाए। जय माता। कालका माई के काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। मैया की मेहर थी जो आज मैया ने हमें अपने दर बुलाया। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था मैया के दर आने के लिए, पर लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था जो मैया के दर नहीं आ पा रहा था। आज मंगलवार के दिन माता रानी ने मुझे अपने दर बुलाया और इतने अच्छे और इतने भव्य दर्शन दिए। अगर आपको नहीं पता हो तो आपको एक बात बता देता हूँ कि कालका माई को ना दिल्ली की महारानी कहा जाता है। मतलब जो दिल्ली की रक्षा करती हैं, दिल्ली की जो मेन महारानी है, वो कालका माई को कहा जाता है। बाकी कालका मैया के प्रांगण के आप दर्शन करते रहिए, आपको जो जो सामने आता रहेगा वो सब आपको दिखाते रहेंगे। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम बाहर की ओर जा रहे हैं। माता रानी को टाटा करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए चलते हैं घर की ओर। कालका मैया के मंदिर में दर्शन करने के बाद भगवान पशुपति नाथ जी के दर्शन है। इधर साइड में आप देख सकते हो, एरो के थ्रू आपको गाइड भी किया जा रहा है। ये सामने है, अभी अंदर चलते हैं। मंदिर तो फिलहाल अभी बंद है, तो बाहर से ही आप दर्शन कर लो। जब हम बाहर आ रहे थे तो किसी भैया ने बताया कि यहाँ भंडारा हो रहा है, तो अभी हम चल रहे हैं भंडारा खाने। माता रानी के आशीर्वाद से भंडारा खाने को मिला, माता रानी का प्रसाद मिला। जबकि ये रोज़ नहीं होता, ये सिर्फ सैटरडे होता है और कभी कभार संडे में होता है। सैटरडे रेगुलर होता है, बाकी नॉर्मल दिन जब ही होता है जब कोई करवाता है। तो माता रानी की दुआ से हमें भंडारा मिला खाने को। भंडारा खाने में काफ़ी स्वादिष्ट था, काफ़ी अच्छा लगा भंडारा खा के, और भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही थी। तब माता रानी ने लगता है पेट की सुन ली।
मैंने माता रानी के आपको पूरे दर्शन करवा दिए हैं। कालका जी मंदिर कैसा आया जाए मैंने ये भी आपको बता दिया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय कालका मैया लिखना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।